आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। कोरोना संक्रमण के कारण देश में लाखों लोगों की मौत हुई है। इस दौरान लॉकडाउन और कड़े नियमों की वजह से मृतकों का अंतिम संस्कार भी कायदे से नहीं हो पा रहा है। मृतकों के अस्थि विसर्जन भी परंपराओं के अनुसार नहीं हो रही है। अब भारतीय डाक विभाग की तरफ से एक पहल की गई है। देश के किसी भी कोने से अस्थियां डाकघरों के स्पीड पोस्ट के माध्यम से धार्मिक स्थल पर भेजी जा सकेगी। जमशेदपुर के प्रधान डाक विभाग ने अस्थि विसर्जन की नई सुविधा की शुरुआत की है। डाक विभाग में प्रवर अधीक्षक गुड़िया कुमारी ने कहा कि अस्थियां प्रयागराज, हरिद्वार, गया और बनारस में विसर्जित की जाती है। कोरोना में लोगों की दिक्कतें कम करने के लिए डाक विभाग ये योजना लाया है। डाक विभाग में लोग अस्थि को कलश में पैक करके स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। हम उसे ओम दिव्य दर्शन के प्रतिनिधियों के पास भेजेंगे और वे उसे विसर्जित और श्राद्ध करके ऑनलाइन परिवार को दिखाएंगे। इसके बाद हेड पोस्ट ऑफिस दिल्ली से परिवार को गंगा जल की बोतल भेजी जाएगी। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए इच्छित व्यक्ति को ओम दिव्य दर्शन संस्था के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद उस व्यक्ति की ओर से डाकघर के माध्यम से अस्थियों का पैकेट स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा। अच्छी तरह से पैक हुए अस्थियों पर मोटे अक्षरों में ओम दिव्य दर्शन लिखा होना चाहिए ताकि इसे अलग से पहचाना जा सके। पैकेट भेजने वाले का पूरा नाम, पता और मोबाइल नंबर भी लिखा होना चाहिए। स्पीड पोस्ट का शुल्क भेजने वाले से ही लिया जाएगा। इस कोरोना पेंडेमिक के कारण कोई व्यक्ति जो अस्थि विसर्जन से रिलेटेड रिचुअल्स नहीं कर पाते हैं, उससे रिलेटेड रिचुअल्स जो प्रयागराज, गया, वाराणसी या हरिद्वार में करना चाहते हैं लेकिन वो कोरोना पेंडेमिक के कारण नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए डाक विभाग के द्वारा एक विशेष सुविधा दी जा रही है कि उस संबंधित व्यक्ति को जिसे यह सुविधा मिलनी है वह ओम दिव्य दर्शन एक सोशियो रिलीजियस ट्रस्ट है, उसमें अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। उसमें रजिस्टर्ड करवाने के बाद वो अपने निकटतम डाकघर में आ सकते हैं और उस अस्थि को पार्सल के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू वो डेस्टिनेशन में भेज सकते हैं। डाक विभाग उस अस्थि कलश को बिना किसी देरी के उसको डिस्पैच करता है और उसमें उस ग्राहक को ट्रैकिंग सुविधा भी दी गई है कि वो अपने स्पीड पोस्ट आर्टिकल का ट्रैक कर सकते हैं। जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है अस्थि कलश, तो वह ओम दिव्य दर्शन संस्था वेबकास्ट के थ्रू उसके सारे रिचुअल्स को उसके फैमिली मेम्बर्स को दिखाती हैं और जब यह रिचुअल्स पूरा हो जाता है तो वह संस्था संसद मार्ग नई दिल्ली को गंगा जल के लिए भी मेल करती है, जो कि उस संबंधित व्यक्ति के फैमिली मेंबर्स को गंगा जल भी मिल जाता है। मैडम, ये ऑनलाइन ये प्रक्रिया क्या ऑनलाइन किस तरह से, क्या वेबसाइट है इसका? इसका ये वेबसाइट उस संस्था का omdivyadarshan.org में वो जाकर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसके बाद वो निकटतम पोस्ट ऑफिस में आके वो पार्सल बुक कर सकते हैं। लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है मैडम आपके यहाँ से, कितना हुआ अभी तक में? अभी तो जागरूकता की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको पता नहीं है कि ये सुविधा डाकघर के द्वारा स्टार्ट की गई है, लेकिन लगता है कि जैसे ही जागरूकता आएगी और जिसको ज़्यादा जरूरत होगी वो ज़रूर हमारे डाकघर में आकर ये सुविधा अवेल करेंगे। मैडम, विसर्जन करने की प्रक्रिया डाकघर को कैसे आई है? विसर्जन करने की नहीं, जब वो रजिस्टर्ड कर लेंगे उसके बाद वो अस्थि को बुकिंग के लिए वो डाकघर में आएंगे और डाकघर की ये ड्यूटी रहेगी कि वो बिना डिले के उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। उसमें बोल्ड लेटर से ओम दिव्य दर्शन लिखा रहेगा और सेंडर्स का नाम, पूरा एड्रेस प्लस मोबाइल नंबर भी उस पार्सल पर लिखा रहेगा और उस बारकोड के थ्रू वो अपना आर्टिकल ट्रैक कर सकते हैं। जब वो डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएगी तो ये ओम दिव्य दर्शन संस्था जो है वो वेबकास्ट के थ्रू सारे रिचुअल्स जो हो रहे हैं उसका वेबकास्ट के थ्रू उस फैमिली मेंबर्स को दिखाया जाएगा और जब ये सारा रिचुअल्स हो जाएगा उसके बाद संसद मार्ग नई दिल्ली डाकघर के द्वारा गंगा जल को उसके फैमिली मेंबर्स तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।